हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए अपोजिशन इत्तेहाद ने नई हिकमत अमली तैयार कर ली है। पीटीआई ने कौमी असम्बली की कायमा कमेटियों से इस्तीफे देने पर ख़ास शुरू कर दिया है। ज़राए के मुताबिक कायमा कमेटियों की सरबराही और जिन कमेटियों में रुकनियत है वो छोड़ ही जाएँ। कायमा कमेटियों से इस्तीफ़ों की तजवीज़ महमूद चकसई ने दी। कायमा कमेटियों से इस्तीफ़ों से मुतालिक जल्द ख़त्मी फ़ैसला किया जाएगा। नाजुन बानी पीटीआई ने वर्जिश के लिए डंबल का जोड़ा फराहम करने की दरख्वास्त दायर कर दी है। रावलपिंडी अडियाला जेल के अंदर लगी एहतसाब अदालत में 190 मिलियन पाउंड नैब रेफरेंस केस की समाअत के दौरान पीटीआई की जानिब से दो दरख्वास्तें जमा करवाई गई हैं। दूसरी दरख्वास्त बानी पीटीआई से बैंक स्टेटमेंट के लिए लेटर पर दस्तखत कराने से मुतालिक थी। जेल हुकाम ने डंबल की फराहमी को जेल मैनुअल के खिलाफ करार देते हुए इजाज़त देने से इनकार कर दिया है। बैंक स्टेटमेंट की दस्तावेजात भी जेल हुकाम ने रोक दी हैं। हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए अपोजिशन इत्तेहाद ने नई हिकमत अमली तैयार कर ली है। पीटीआई ने कौमी असम्बली की कायमा कमेटियों से इस्तीफे देने पर ख़ास शुरू कर दिया है। ज़राए के मुताबिक कायमा कमेटियों की सरबराही और जिन कमेटियों में रुकनियत है वो छोड़ ही जाएं। कायमा कमेटियों से इस्तीफ़ों की तजवीज़ महमूद चकसई ने दी। कायमा कमेटियों से इस्तीफ़ों से मुतालिक जल्द ख़त्मी फ़ैसला किया जाएगा। नाजुन बानी पीटीआई ने वर्जिश के लिए डंबल का जोड़ा फराहम करने की दरख्वास्त दायर कर दी है। रावलपिंडी अडियाला जेल के अंदर लगी एहतसाब अदालत में 190 मिलियन पाउंड नैब रेफरेंस केस की समाअत के दौरान पीटीआई की जानिब से दो दरख्वास्तें जमा करवाई गई हैं। दूसरी दरख्वास्त बानी पीटीआई से बैंक स्टेटमेंट के लिए लेटर पर दस्तखत कराने से मुतालिक थी। जेल हुकाम ने डंबल की फराहमी को जेल मैनुअल के खिलाफ करार देते हुए इजाज़त देने से इनकार कर दिया है। बैंक स्टेटमेंट की दस्तावेजात भी जेल हुकाम ने रोक दी हैं। हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए अपोजिशन इत्तेहाद ने नई हिकमत अमली तैयार कर ली है। पीटीआई ने कौमी असम्बली की कायमा कमेटियों से इस्तीफे देने पर ख़ास शुरू कर दिया है। ज़राए के मुताबिक कायमा कमेटियों की सरबराही और जिन कमेटियों में रुकनियत है वो छोड़ ही जाएं। कायमा कमेटियों से इस्तीफ़ों की तजवीज़ महमूद चकसई ने दी। कायमा कमेटियों से इस्तीफ़ों से मुतालिक जल्द ख़त्मी फ़ैसला किया जाएगा। नाजुन बानी पीटीआई ने वर्जिश के लिए डंबल का जोड़ा फराहम करने की दरख्वास्त दायर कर दी है। रावलपिंडी अडियाला जेल के अंदर लगी एहतसाब अदालत में 190 मिलियन पाउंड नैब रेफरेंस केस की समाअत के दौरान पीटीआई की जानिब से दो दरख्वास्तें जमा करवाई गई हैं। दूसरी दरख्वास्त बानी पीटीआई से बैंक स्टेटमेंट के लिए लेटर पर दस्तखत कराने से मुतालिक थी। जेल हुकाम ने डंबल की फराहमी को जेल मैनुअल के खिलाफ करार देते हुए इजाज़त देने से इनकार कर दिया है। बैंक स्टेटमेंट की दस्तावेजात भी जेल हुकाम ने रोक दी हैं।